हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एमटीएस का जो डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आने वाला है और टेंटेटिव डेट जो है वो स्टेटस रिपोर्ट में जारी कर दी गई है ऑफिशियली। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो रिज़ल्ट में ऐसा आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, तो बिल्कुल डिले हो रहा है क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था डिस्क्रिप्टिव का वो नवंबर में हुआ था और जो आपका रिज़ल्ट है वो अप्रैल को बताया गया कि अप्रैल या फिर मई पकड़ सकते हैं, 30 अप्रैल मतलब आप में ही ले मार कर चलिए। और इसके अलावा देखिए कि इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हो गए हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का, देखिए मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया है। इसके अलावा सीजीएल 2018 के फाइनल सिलेक्शन बाकी है। फिर 7 का जो रिज़ल्ट है इसके 2 मंथ पहले आने वाला है, यानी कि 17 फरवरी को आने वाला है। और सीपीओ 2018 इसका भी डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। तो इन सभी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एमटीएस के रिज़ल्ट पे और एमटीएस वालों को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, वही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये है वो पीडीएफ और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 13 फरवरी को जारी की गई थी और ये बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको पता होगा सीपीओ 2019 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका रिज़ल्ट जो है यहाँ पर देखिए, टेंटेटिव डेट 14/2/2020 और बिल्कुल इसी दिन रिज़ल्ट आपका आया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फेज 7 तीनों लेवल का मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का जो रिज़ल्ट है वो 17 को आने वाला है, टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है। तो इसके बाद हम लोग एमटीएस देखते हैं, तो एमटीएस का जो रिज़ल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला 30 अप्रैल को। तो इसके बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सभी एग्ज़ाम्स का जो कि एमटीएस के पहले हो चुके हैं और उनका कुछ ही प्रोसेस बाकी है, और क्या क्या पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं ये एनालिसिस करने के लिए, वो सभी हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। ये आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़िए और आप खुद भी देख सकते हैं इसको। इसके अलावा सीधे हम आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए हमने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए हैं। पहला है आपका एसएससी जीडी 2018 जिसका मेडिकल अभी होने मतलब लगभग हो चुका है। उसके बाद सीपीओ 2018 जिसका रिज़ल्ट 3 फरवरी को आया था, आपको याद भी होगा। इसके अलावा फेज 7 जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है 17 फरवरी को। उसके बाद JHT जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2018 की वैकेंसी है। उसके बाद सीजीएल 2017 जिसका फाइनल सिलेक्शन वगैरह बाकी है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को हमने क्यों लिया है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सभी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका एसएससी जीडी 2018। तो ये 2018 में ये वैकेंसी आई थी, हालांकि नोटिफिकेशन 2017 में जारी होने वाला था लेकिन 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 वगैरह में इसका एग्ज़ाम जो भी होता है वो कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। पहले वैकेंसियाँ कम थी, बढ़ के आपका 58,000 हो गई, ठीक है। 58,000 वैकेंसियाँ थी, उसके बाद 60,000 वैकेंसियाँ हो गई हैं। और इसका मेडिकल भी हो चुका है, मेडिकल में देखा जा रहा था कि कहीं पे आपका 30% स्टूडेंट अपीयर हुए हैं तो कहीं आपका 60%, मतलब एवरेज हम लोग अगर मान के चले तो। अपीयर का मैंने ये नहीं बोला कि उतने स्टूडेंट आए थे, मतलब कि क्वालिफाई आप बोल सकते हैं कि इतने स्टूडेंट कहीं क्वालिफाई हो रहे हैं तो कहीं पे 60% क्वालिफाई हो रहे हैं। तो एवरेज अगर आप निकालें तो यहाँ पे एवरेज 50-60% ही आ रहा है कि इतने स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर रहे हैं मेडिकल, और मेडिकल लगभग हो चुका है। जिन लोगों का री मेडिकल दिया हुआ है उनको बोला गया है कि मार्च के लास्ट तक उनका भी शुरू हो जाएगा और आशा है कि 1 मंथ के पहले ही उनका भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो मेडिकल के बाद इनका कोई प्रोसेस बचता नहीं है, एक प्रोसेस है आपका फाइनल मेरिट और उसके बाद जो है डीवी, जो ऑफिशियली जो करते हैं डीवी, तो वो बाकी रहेगा, ठीक है। तो 58,000 टोटल वैकेंसी है, तो ये बहुत ही मैटर करता है। और जॉब प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, 58,000 माफ़ कीजिएगा मैं बार बार 58,000 बोल दे रहा हूँ, 60,000 स्टूडेंट मान लीजिए इसमें हैं अगर, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ इसी को प्रेफर करेंगे, या तो वो इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर इसमें आपका मेडिकल वगैरह फिट हो गए तो वो क्यों जाएंगे एमटीएस के डीवी वगैरह में, ठीक है। तो और अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एमटीएस से एक तरह से आप देखिए तो ये जॉब प्रोफाइल सही है इसका, तो आशा है कि जो भी इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं वो तो इसमें जाएंगे नहीं। हो सकता है कुछ 5-10% स्टूडेंट जा भी सकते हैं, ऐसा कोई मतलब बात नहीं है। तो हालांकि जिनका मार्क्स अच्छा है
जिनको पता है कि भाई मेरा सिलेक्शन अब हो चुका है एसएससी जीडी में, तो वो नहीं जाएंगे, श्योर है कि वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सीपीओ 2018 की, तो पहले से ही इस पर मतलब कोर्ट केस चल रहा था, केस फाइल की गई थी हाइट को लेकर, तो तीन लोगों ने की थी और राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा रखा था, तो स्टे ऑर्डर 14 जनवरी को हटा दिया गया था। ठीक है, 14 जनवरी को स्टे ऑर्डर हटाया गया और 3 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था। इसमें जो टोटल सीट है आपका 1578 सीट है। इसको पॉइंट में मतलब इसको कंसिडर करने का रीज़न ये था ना कि देखिए पहले तो वैकेंसियाँ इसमें कम है, 1578 लोगों को रिक्रूट करने में मतलब उतना समय नहीं लगेगा जितना इसमें लगेगा। इसका जो प्रोसेस है आपका जीडी का, हो सकता है 2020 तक कंप्लीट हो। ठीक है, 2020 तक कंप्लीट हो, फिर भी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि लगभग 50 इसमें जो भी सेलेक्ट होंगे, इसमें लगभग 50-80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एमटीएस अगर दिए होंगे तो वो डीवी के लिए या फिर आगे उस प्रोसेस में नहीं भाग लेंगे। ठीक है, और सीपीओ की हम लोग जहाँ तक बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कम वैकेंसी है, तो आशा है कि एसएससी इसको पहले क्लियर करेगी। ठीक है, क्योंकि कम लोगों को रिक्रूट करना थोड़ा कम समय लगता है और इसमें प्रोसेस भी ज़्यादा आपको नहीं है, जैसे कि देखिए आपका इसका फिज़िकल हो गया है, पीएसटी पेड जो टेस्ट होता है वो हो चुका है, पेपर टू का भी रिज़ल्ट आ गया है, तो अब जो बाकी आगे का प्रोसेस आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेज़ 7 की, तो फेज़ 7 में टोटल 1350 वैकेंसी है, इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है और इसमें एक आपका एग्ज़ाम होता है। देखिए इसमें भी कुछ अलग बातें, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे, मेट्रिकुलेशन लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे, तीनों में एग्ज़ाम पैटर्न आपका अलग होता है और इसमें पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ जाता है। इसके अलावा किसी में पेपर टू भी होता है, कंडक्ट करवाया जाता है, और बाकी सब में जो एग्ज़ाम है उसमें आपका पेपर वन कंडक्ट करवाया जाता है। मैं फेज़ 7 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद एक सिर्फ स्क्रूटनी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, वो भी सब में नहीं होता है। तो 1350 वैकेंसियाँ हैं और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका बहुत ही सिंपल है और सही है, तो 1350 वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। और इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, और ये आशा करते हैं कि MTS के पहले अगर ये क्लियर हो जाए तो MTS वालों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया 58 से 60 हज़ार वैकेंसी, 60 हज़ार वैकेंसी में से आशा है कि कुछ स्टूडेंट, अब अगर 40% भी मान के चलिए ना, तो 40% अगर MTS क्वालिफाई करते हैं तो वो नहीं जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग बात करें CPO की, जैसे हमने देखा उसके बाद फेज़ 7 जिसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो आशा है कि MTS का जब DV वगैरह चल रहा होगा तब तक इसके चांसेस हैं सिलेक्शन हो जाने के। ठीक है, उसी तरह GST में उतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे होता, ये अगर ये पूरा सेव रेट है, क्योंकि जो हिंदी वगैरह के एस्पिरेंट हैं जो कि हिंदी, जिन्होंने हिंदी ऑनर्स वगैरह किया है तो वो इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते हैं, तो वो इधर देखेंगे ही नहीं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं CGL की, CGL 2017 की वैकेंसी, उसमें पहले वैकेंसी आपकी 8090 ऐसे कुछ थी, उसके बाद 8134 हो गई है, बढ़ गए, तो और ये 2017 की वैकेंसी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2020 चल रहा है, फाइनल सिलेक्शन होना अभी भी बाकी है, तो आशा है कि सब ये क्लियर हो ही जाएगा आपका MTS के पहले। तो यहाँ पर मैंने ये सब बताया आपको, और हो सकता है किसी को ऑफेंड लगे, हो सकता है किसी के लिए हेल्पफुल भी हो, तो लेकिन जेन्युइन सी बात है कि अगर ये सब एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं तो हो सकता है कि MTS का जब प्रोसेस आपका DV वगैरह का अप्रैल या मई से शुरू हो रहा है तो उसमें तो 2-3 महीना या फिर फाइनल सिलेक्शन की उसकी बात करें तो वो सितंबर तक आपका लेके चली जाएगा। ठीक है, और आशा है कि 2017 की जो पिछली वैकेंसियाँ, जैसे आपका ये हो गया, उसका 2018 का आपका CPO हो गया, ये सब तो क्लियर हो ही जाएंगी, ये तो पक्की सी बात है। और अगर अच्छे से काम किया जाए तो आप देख सकते हैं फेज़ 7 ये भी, और इसके अलावा इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 700 कुछ वैकेंसियाँ, तो ये भी क्लियर हो सकती है। और GD वाले को मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि जो क्वालिफाई करते हैं तो उनका शौक भी होता है भाई कि फ़ौज में जाना है, तो वो नहीं करेंगे, अपीयर होंगे ही नहीं DV में, हो सकता है कुछ हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया। तो ये सारा था एनालिसिस, और रिज़ल्ट आपका डिले हुआ है तो इसमें MTS वालों के लिए फ़ायदा ही है एक तरह से, आप अगर देख के चलिए तो, क्योंकि देखिए एक तरह से तो ये सब जो रिक्रूटमेंट वगैरह वो तो क्लियर होते जा रहे हैं, तो जो भी एस्पिरेंट हैं वो छटते जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही, ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे,
बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बैंक का एग्ज़ाम, अब आप ही देख लीजिए ना, जो बीटेक कर चुके हैं, इंजीनियर हैं, वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने इन सभी को लिया है, ये सभी अलग अलग ट्रेड है। देखिए जीडी आपका अलग है, सीपीओ, फेज 7, जीएचटी और आपका सीजीएल, सभी अलग अलग है, लेकिन सबको एक में शामिल किया गया है। तो इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और वैकेंसियाँ भी एमटीएस में अगर आप देखें तो बढ़ती ही जा रही हैं, तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ही बनते जा रहे हैं। और उन स्टूडेंट के लिए ये एक तरह से अच्छी बात है जो कि जिनका मार्क्स एक डाउट में, जैसे कि आपका 78 मार्क्स है ओबीसी से, तो आप बिल्कुल डाउट में रहेंगे कि मेरा होगा नहीं होगा, और पूरे टेंशन में रहेंगे, पूरे फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, होगा नहीं होगा और कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा, मतलब ऐसा लगा रहता है। ठीक है, तो मैं एक एक्सपीरियंस ये बोल रहा हूँ कि उन सभी के चांसेस बढ़ जाएंगे जो आस पास है उस नंबर की, या फिर एक नंबर से, या फिर 1.50, 0.20 ऐसे मार्क्स से कट जाते हैं जिनका सिलेक्शन मतलब रह जाता है, तो उन सभी के लिए अच्छी मतलब अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये था अभी तक का अपडेट और एनालिसिस जो कि हम लोग लेकर आए आपके लिए। वीडियो अगर हो सकता है हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी प्रेस कर दो ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और इतना प्यार जो हमें दे रहे हैं वैसे ही प्यार अपना बनाए रखें हमारे लिए। और अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।